कि राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में बीते 1.5 महीने में करीब 11 भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भले ही भूकंप के ये झटके हल्के रहे हों, लेकिन लोगों में भूकंप का डर घर करता दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह के हल्के झटके दिल्ली एनसीआर में एक तीव्रता वाले भूकंप के खतरे का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि हल्के झटके बार बार आना किसी बड़े भूकंप का संकेत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली और एनसीआर में हाई इंटेंसिटी का भूकंप आ सकता है। दिल्ली के साथ ही आसपास के प्रदेशों में भूकंप का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक बीते दिनों राजस्थान में 1, उत्तराखंड में 4 और हिमाचल प्रदेश में भी 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में लगातार भूकंप के झटके आने का क्या कारण है, इन्हीं बातों को लेकर हमारे साथ दिल्ली से सीधे जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक जेएल गौतम जी। बार बार भूकंप के झटकों से लोगों में डर बना हुआ है और इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जेएल गौतम जी से। डेढ़ महीने में 11 बार भूकंप के झटके और बार बार भूकंप के झटके आने से लोगों में भूकंप का जो डर है वो घर करने लगा है। और अधिक बातचीत के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जेएल गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका इवन टीवी में। नमस्कार जी। सर देखिए, लगातार 1.5 महीने में 11 बार जो भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में आए हैं, क्या किसी बड़े खतरे का संकेत ये? देखिए, दिल्ली के आसपास कुछ फॉल्ट लाइंस हैं जी। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले जो आया था ग्रेटर नोएडा में, एक 3.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, वो अलोंग मथुरा फॉल्ट आया था जी। उससे पहले दिल्ली हरिद्वार रिज है, उसके आसपास आए थे दिल्ली एनसीटी में 2 अर्थक्वेक 2-3, और उससे पहले एक उसी बीच में एक 4.5 का रोहतक में आया था जी। जो कि देहरादून महेंद्रगढ़ फॉल्ट पे था जी। तो इस तरह से कुछ फॉल्ट लाइंस हैं जिनके अलोंग छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं जी। देखिए, आईआईटी धनबाद के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि आने वाले समय में दिल्ली और एनसीआर में अधिक तीव्रता वाला जो भूकंप है वो आ सकता है, खतरा मंडरा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, जहां तक भूकंप के कितना बड़ा, कहाँ आएगा, कब आएगा, इसकी जहां तक प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग का सवाल है, तो अभी तक सटीक रूप से नहीं हो पाई है, हमारे इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उन्होंने इसको क्लियर भी किया है बाद में अपने स्टेटमेंट में कि प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ। देखिए, लगातार इतने जो भूकंप के झटके आ रहे हैं बीते दिनों में, तो क्या इसका कारण, मेन कारण वो क्या रहता है? क्योंकि लोग सिहर उठते हैं, एक बार भी अगर जमीन हिलती है तो लोगों के मन में जो डर है वो घर कर जाता है। नहीं देखिए, जैसे मैंने बताया, कुछ फॉल्ट लाइंस हैं जो एक तो बड़ी प्लेट्स होती हैं, जैसे मेजर प्लेट, जैसे हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो कि यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो पूरा हिमालय जोन जो है वो ही है, सो राइट फ्रॉम हिंदू कुश से लेके और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक, सो उसके अलोंग बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना हर वक्त रहती है, लेकिन कब, कितना बड़ा, कहाँ आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। जहां तक दिल्ली के आसपास जो मैंने जैसे बताया, कुछ फॉल्ट लाइंस हैं जो वीक जोन्स होते हैं जहाँ से एनर्जी रिलीज होती रहती है, सो वो उसके अलोंग आए हैं जितने भी अभी 10-11 अर्थक्वेक जो भी आए हैं। तो लेकिन कहाँ, कितना बड़ा और कब आएगा, इसकी सटीक जानकारी नहीं दे सकते जी। देखिए, अभी तक जो भूकंप के झटके आए थे दिल्ली एनसीआर में वो कम तीव्रता वाले थे, तो क्या अगर अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटके आते हैं तो क्या जो दायरा है वो बढ़ सकता है? देखिए, बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना, जैसे हमने अपने देश को 4 सेस्मिक जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, सेस्मिक जोन 2, 3, 4, 5, तो 5 इज द हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया एंड 4 जो है उससे नेक्स्ट है, जिसमें कि दिल्ली एनसीआर है।
ऐसा इनकार भी नहीं कर सकते हम कि कोई बड़ा भूकंप नहीं आ सकता, जैसे मैंने बताया प्रेडिक्शन इसकी पॉसिबल नहीं है। सो बिल्डिंग्स को इस तरह से बिल्डिंग कोड के हिसाब से, जो सेस्मिक जोन 4 के हिसाब से बिल्डिंग कोड बने हुए हैं BIS के, उनके हिसाब से अगर बिल्डिंग बनाई जाए तो उसको नुकसान कम से कम होगा। देखिए इस अवधि में राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हल्के भूकंप के झटके देखे गए, तो क्या इन प्रदेशों में भी भूकंप का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, ऐसा कह सकते हैं? देखिए हिमाचल तो हिमाचल में कुछ क्षेत्र है जो जोन 5 में भी आता है, तो वो तो सेस्मिक जोन 4 और जोन 5 में है पूरा हिमाचल, और हिमालय के भी नजदीक है, तो वहां तो संभावना हमेशा रहती ही है। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है तो राजस्थान में भी कुछ फॉल्ट लाइन्स हैं जो छोटी फॉल्ट लाइन्स हैं, तो जिनके अलावा छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो इस तरह की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। देखिए एक बहुत पुरानी कहावतें होती थी, लोग कहते थे कि जो जानवर होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, उन्हें इस चीज का आभास पहले हो जाता है। जैसे चींटियां आमतौर पर अपना घर दिन में खाली करती हैं, लेकिन अगर उन्हें इस चीज का कोई आभास होता है कि भूकंप आने वाला है तो अपना घर किसी भी समय खाली कर देती है, ऐसी पुरानी कहावतें, हालांकि वैज्ञानिक इसे नहीं मानते। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए जानवरों का बिहेवियर अभी आप कैसे पढ़ सकते हैं, वो तो हमेशा जैसे कुत्ते भौंकते तो कई बार भौंकते रहते हैं, तो हमेशा तो अर्थक्वेक नहीं आता ना, तो इस तरह से उनके ऊपर तो हम सटीक रूप से नहीं कह सकते कि कब कौन सा जानवर क्या व्यवहार करेगा, तो इस तरह से तो कोई प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। जयल गौतम जी, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या ऐसे चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, एहतियात जहां तक बरतने की बात है, देखिए जैसे ही आपको अगर कोई अर्थक्वेक फील हो तो तुरंत अगर पॉसिबल है तो ओपन में चले जाएं, तो वो तो द बेस्ट होता है। तो अदरवाइज अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हैं तो आप अपने सिर को कवर करते हुए किसी हार्ड टेबल के नीचे या हार्ड बेड के नीचे या अपने को कॉर्नर में करते हुए अपने सिर को किसी पिलो से या किसी हार्ड बोर्ड से कवर करते हुए आप खड़े हो जाएं, और जब शांत हो जाए तो आप अपने आप को बाहर निकालें, और कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों से ही बाहर निकलें, इस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। जी अजयल गौतम जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, आप हमारे साथ जुड़े और साझा किया कि किस प्रकार से लगातार जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, कोई प्रेडिक्शन पहले से नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ सावधानियां हैं वो हमें